संभल में आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पर संभल के विधानसभा गुन्नौर के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी श्री यादव व युवा नेता श्री अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्प अर्पण किए और उनके ही बताए रास्ते पर चलने का निश्चय किया गया। ऐसा सपा के पूर्व विधायक श्री राम खिलाड़ी यादव एवं सपा के पूर्व कार्यकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव के आवास पर व स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी के पुण्यतिथि पर उनके राम खिलाड़ी प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए और उन्हें याद किया और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने का निश्चय भी किया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की कार्यशैली पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का कहना है कि समाज के कार्यों को लेकर बीजेपी सरासर झूठ बोलकर कार्य कर रही है। उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया जो कि किसान के हित में हो। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी आएगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेगी। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना यह भी है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बिना ही मतलब उन्हें फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा दिया है और कुछ लोगों को फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से विकल्प देने का प्रयास करेगी। रिपोर्ट बाय इस्लाम अली, समाचार इंडिया न्यूज़, संभल।